स्वामी जी, वजन घटाने का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक कोई दुबला हो जाता है तो ऐसे में बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ऐसे में किस तरह से एक बैलेंस रखते हुए शरीर को हेल्दी किया जाए, और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्किनी बन गए, अंडरवेट मतलब हो गए, हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया जाए। हाँ, हार्मलेस वेट लॉस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोले तो जी। तो जब आप योगाभ्यास करते हैं ना, तो आप मुझे देखो, मैं लगभग 30 सालों से ऐसा का ऐसा ही हूं। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी और दास कबीर ने तो ऐसी ओढ़ी, रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी। ऐसे रखो अपने शरीर को। तो क्या करो, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संयम मर्यादा, इसलिए भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कोई सीताराम कर रहे, कोई सियाराम कर रहे, कोई जय श्री राम कर रहे, अब राम जी में भी राजनीति कर दी लोगों ने क्या। और स्वामी जी जो कोरोना को मात देना चाहते हैं वो स्वामी रामदेव का नाम ले रहे हैं, देखने को मिलती है। ये बात तो ठीक कही आपने। और सोचिए स्वामी जी, आपकी वजह से आपका नाम लेके करोड़ों लोग हेल्दी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों के जहन में एक और सवाल भी आ रहा है, जो खाने पीने के शौकीन, अगर आपको देख रहे होंगे तो डर गए होंगे कि हम खाए पिए क्या, क्योंकि खाने की अगर बात करते हैं तो सर्दियों में तो इतना कुछ मिलता है, लेकिन हेल्दी क्या खा सकते हैं जिससे कि मोटापा भी ना आए, दिल भी स्वस्थ रहे, स्वाद आता रहे। पूज्य माता गुलाब देवी जी ने मेरे लिए गोंद के लड्डू, गाजर पाक और तिल के लड्डू तीनों भिजवा रखे हैं। तीनों, आधा लड्डू गोंद का खाता हूँ, आधा छोटा सा लड्डू जो है तिल का खाता हूँ, और एक छोटा सा गाजर पाक खाता हूँ। फिर भी देखो कितना जो है स्वस्थ हूँ और कितना पेट मेरा हल्का है। मेरे पेट के तो करोड़ों फैंस हैं, मेरे तो हैं। निसंदेह, निसंदेह। मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही खाना पीना नहीं है, खाओ पियो, छको मत, देखो भालो, तको मत, और खा पी करके योग भी करो ना, ऐसे नहीं कि खा पी करके पड़ गए मस्टंडों की तरह। स्वामी जी, मोटापे की वजह से कई लोगों के सांस भी ज्यादा फूलने लगती है, और कोरोना वैसे भी आपके लंग्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, अटैक करता है, तो मोटापा कम भी हो जाए और लंग्स भी स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए कुछ कौन से प्राणायाम है? आपने तो काफी कुछ बता दिया है, लेकिन इसके अलावा कुछ है बता दें। प्राणायाम बहुत जरूरी है, 5 प्राणायाम रोज, और कम से कम 5 आसन, इतना भी कर लेंगे ना तो लोगों का उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे मेरे भाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम जपो और योग करो, यज्ञ करो, भस्त्रिका करो, इससे वेट भी कम होगा, कैंसर भी मिटेगा, इससे शुगर भी ठीक होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और सुपर एनर्जी आ जाएगी, भीतर बाहर प्राण को ब्रह्म का ब्रह्मास्त्र, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। और योग यज्ञ के साथ करो, फिर तो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। लो, योग के साथ, यज्ञ के साथ, लेकिन जिनका बीपी हाई है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, हर्निया है, थोड़ा धीरे धीरे कर लेना। ऐसे मेरे कपाल भाती बड़ा जबरदस्त है, ये सब बहने करो। तुम्हें 60 साल की उम्र में 30 साल की लगना है ना, और कभी बूढ़ी नहीं होना है ना। मेरी बायोलॉजिकल एज जो है 50 से ज्यादा नहीं होने वाली, अभी तो मैं 25 का ही हूँ। और सेम ये ज्योत्सना जी, प्रिया पूछा जी, मीनाक्षी जी, अमित भाई, सेम टू यू, थैंक यू सो मच जी, आपने याद रखना। बुरा मान रहे थे कि मेरे लिए क्यों नहीं बोला, तो मुझे बूढ़ा नहीं होने देना। नहीं होना भी नहीं है स्वामी जी, जुड़े रहना योग के साथ। जो योग करेंगे वो बूढ़े ही नहीं होंगे, बीमार तो होंगे ही नहीं। और इस एक कपाल भाती 100 बीमारियों से बचाता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, मूलाधार से सस्रार्थ कष्टा चक्र नव द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या देह देवालय शिवालय बन जाएगा। अरे प्रश्नकाल भी तो शुरू हो गया होगा,
तुम जो है नीचे चला तो रहे हो, स्वामी रामदेव से प्रश्न पूछो। बिल्कुल स्वामी जी, प्रिया आप पूछ लो फिर प्रश्नकाल। प्रश्नकाल से पहले स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हम चूंकि आज मोटापे की बात करें तो जो लोअर वैली फैट है उसे कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसके लिए कोई अलग से योगासन? लोअर वैली, ये 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 लोअर वैली है प्रिया जी, आप वैसे भी आप सर्वप्रिय हो गई हो थोड़े दिनों में, आपको देव प्रिया, भगवत प्रिया, भारत प्रिया, इंडिया प्रिया हो जाओगी आप। योग करते करते ऐसे ये कपाल भाती, ये लोअर वैली का वेट घटाने के लिए बहुत जरूरी है। और फिर ये जो बताया था ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 100-200 बार ऐसे भस्त्रिका कपाल भाती के साथ। स्वामी जी तो योग प्रिया जी हो गई हो आप जी। प्रिया जी, योग प्रिया जी का सवाल हमने ले लिया स्वामी जी, योग प्रिया कर देते हैं।